जयंत एवरीवन। चलिए भैया आपके लेकर आए हैं आईसीजी जीडीडीबी का स्टेज टू का लाइव मॉक टेस्ट। कैसे क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, सेम पैटर्न। चले भाई तो आप लोग रेडी हो जाएं आंसर देने के लिए। बुढ़िया वर्मा जी प्रेजेंट है हमारी, फेलियर बॉय जय बड़ा जय हिंद। चले जल्दी से आप ये रेडी हो जाएं तो एंग्विस्ट का आपको श्रेणी बताना है। देखो एक पैटर्न जो बनाया गया, जो आपको बताया जा रहा है, लगभग सेम इसी पैटर्न पर आपके यहाँ एग्जामिनेशन में स्टेज टू का एग्जाम कंडक्ट होगा। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ पार्टिकुलरली। तो चलिए देखिए यहाँ पर एंग्विस्ट का साइनो क्या हो जाएगा भाई, एंग्विस्ट का साइनो क्या हो जाएगा? एंग्विस्ट में होता दुखी, परेशान, नाराज। नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। मनीष बाबू जय हिंद बड़ा जय हिंद, जय हिंद बड़ा जय हिंद, जय हिंद। चलिए भाई एंग्विस्ट का जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं प्लीज। शिवांगी बेटा यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन ए इज राइट हियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। एंग्विस्ट का साइनो क्वेश्चन नंबर सेकंड वन। ऑप्शन का साइनो बताएं, ऑप्शन का सिनोनिम बताएं भाई, ऑप्शन का सिनोनिम बता दीजिए खट से। फेलियर बॉय गुड़िया वर्मा जी मनीष बाबू, चलिए ऑप्शन में होता है असभ्य, गंदा, भद्दा, बेकार, खराब। निगेटिव वर्ड है इसका, साइनो बन जाएगा इनडिसेंट। आज समय बहुत कम है तो आज आपको बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, जल्दी से आप क्वेश्चन को रीड करें, इसका आंसर सेंड करें तुरंत। इंडस्ट्री इंडस्ट्रियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस का एंटोनिम इंडस्ट्री में होता है बहुत ही परिश्रमी। इंडस्ट्रियस का परिश्रमी आंसर, आंसर जल्दी से। इंडस्ट्रियस का आंसर एंटोनिम है, ये परिश्रमी है तो इसका हो जाएगा आलसी, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, रिजॉइस का एंटो पूछ रहा है भाई, रिजॉइस का एंटो आनंदित होना, आनंद उठाना, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा भाई, इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा लैमेंट, लैमेंट। ये आपका ईडियम है, इसको आपको बताना है भाई इसका दूसरा इंग्लिश में मीनिंग। टू बी इन एप्पल पाई ऑर्डर, किसी चीज का बहुत सुव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ होना, रखा जाना। जल्दी बताइए, देखो पेपर पेपर होता है वो, चाहे आईसीजी जीडीडीबी का स्टेज टू का पेपर हो, चाहे आईसीजी जीडीडीबी का फेज वन का पेपर हो, चाहे नेवी का फेज वन या फेज टू का पेपर हो, चाहे आपका एयरफोर्स एक्सएवाई का पेपर हो, इंग्लिश इज इंग्लिश, अंडरस्टूड। आप सारे बच्चों को बहुत ध्यान पूर्वक ये सारे टेस्ट देने चाहिए, जिससे आपको पता लग सके कि मतलब कहाँ पर कमियां हैं तो वहां पर इम्प्रूवमेंट किया जाए। ठीक भाई, इसमें पार्टिसिपेट किया करो, आंसर देने की कोशिश किया करो। एटलीस्ट फाइव का हो जाएगा ना ना, वेरी नीटली, बहुत स्वच्छता पूर्वक अरेंज्ड, वेरी नीटली अरेंज्ड, ऑप्शन इज राइट हियर, वेरी नीटली अरेंज्ड, साफ सुथरा। अरे नहीं, एप्पल की दुकान पर जाओ तो एप्पल के लोग उसको पोछ पोछ के बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से रखते हैं, ऑप्शन ए। लायन शेयर भैया, अगर लायन को जो है बड़ा शेयर नहीं दोगे तो खा जाएगा आपको, तो लायंस का जो शेयर होता है हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। लायंस का शेयर जो होता है सबसे बड़ा होता है भाई, तो बताएं गिवन ऑप्शन में से आंसर क्या हो सकता है, जल्दी बताएं। चल मी सुन, लायंस शेयर आंसर क्या हो सकता है,
लायंस लॉ होता है सबसे बड़ा हिस्सा, बिग शेयर भाई, सबसे बड़ा वाला हिस्सा। फाइंड आउट रॉन्गली स्पेल्ड, रॉन्गली आपको रॉन्ग रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को फाइंड आउट करना, प्लीज फाइंड आउट। मनीष बाबू, उड़िया जी, शिवांगी जी, फेलियर बॉय, बेटा फेलियर बॉय का ही लिखियो भाई, आप तैयार अच्छे बच्चे हो। तो भाई देखो इसमें रॉन्गली स्पेल्ड कौन सा, प्रिटेंस, ऑफेंस, डिफरेंस, डेंस। वेरी गुड, यहां पर जो है ये प्रिटेंस सही है आपका, ऑफेंस सही है, डिफरेंस सही है। आप डिफरेंस ये सम्मान वाला है, सम्मान वाला, सम्मान दो इस पे, इसकी स्पेलिंग सही है। टेंस होता है घना, घना, ठीक, इसको हम लिखते हैं डी ई एन एस ई, डेन, घना। नेक्स्ट, फाइंड आउट द रॉन्गली, चारों में से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है, विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड। तीन सही है, एक गलत है, विच वन इज रॉन्गली स्पेल्ड। प्रिया द्विवेदी जी, यू आर प्रेजेंट, वेरी गुड, मुस्कान कभी नहीं आती है प्रिया जो है, मुस्कान नेवर पार्टिसिपेट इन एनी लाइव मॉक टेस्ट। चलिए ठीक है, जो आएगा वो पाएगा, जो जाएगा वो खोएगा। तो भैया इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो सही है भैया, रॉन्गली फाइंड आउट करना है। ऑर्गेनाइजेशन ये भी सही है आपका, डुप्लीकेट ये भी सही है आपका, इट मींस वेरी नाइस, वेरी नाइस। करेजियस, जी ई होगा ना, यहां पर जी के बाद में ई हो जाएगा करेजियस में, और रॉन्गली आपको फाइंड आउट करना था, रॉन्ग वाला वर्ड, दिस वन इज राइट। अब देखो आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, किसी भी चीज का बहुत ही आर्टिस्टिक, बहुत ही म्यूजिकल और ड्रामेटिक आप इंटरप्रिटेशन करें, व्याख्या करें किसी चीज को, ऐसा व्यक्त करें आप कि बड़ा उसका सुंदर तरीके से, कलात्मक तरीके से, गा बजा करके, नाटकीय तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन करना, इंटरप्रेट करना, दैट इज कॉल्ड रेंडिशन, नाटक के द्वारा किसी चीज का प्रस्तुतिकरण। बेटा देखो शिवांगी बेटा, आईसीजी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों चीजें बेटा एक ही हैं, ठीक है शिवांगी बेटा, क्वेश्चन सब वही रहते हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल जाते हैं बस। अगला देखें, भाई वन वर्ड आपके यहां आता है, वन वर्ड इसमें भी आया है, वन वर्ड नेवी में भी आता है, हर जगह आपका वन वर्ड आएगा। तो आपको क्वेश्चन से मतलब है, किसका है इसका मतलब नहीं बेटा, ठीक, जल्दी बताएं। वन हु नोज एवरीथिंग, सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता है, जल्दी बताएं। अरे भाई सब कुछ जानने वाला हो जाएगा, ओमनीसेंट हो जाएगा, सर्वज्ञता। इट वॉज 15 ईयर्स बिफोर दैट आई शिफ्टेड टू प्रयागराज परमानेंटली, उस तरह अच्छा है, इसको बताएं। फेलियर बॉय, फेलियर ना लिखो भाई, आप सक्सेसफुल बॉय लिखो अपना, सक्सेसफुल बॉय, यू आर सक्सेसफुल, नॉट फेलियर। यहां देखिएगा इट वॉज 15 ईयर्स, यहां पर एगो आ जाएगा, एगो, आज से 15 साल, 15 ईयर्स, 15 साल पहले दैट, और एगो के बाद में हमेशा दैट आता है, और दैट के पहले हमेशा एगो आता है, ना कि बिफोर, पार्ट ए में एरर है आपका। ही यू एंड आई वर्शिप लॉर्ड शिवा, जब दो या दो से अधिक पर्सन को एक साथ में यूज करना हो, इन दैट केस, दो या दो से अधिक पर्सन को अगर एक साथ में यूज करना हो और उसमें सेंस सेंटेंस का पॉजिटिव हो, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं 2 3 1, पहले यू आएगा, आफ्टर दैट ही आएगा, आफ्टर दैट दिस वन,
या हो जाएगा यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, सीक्वेंस आपका गलत है ना भाई, यही तो है। अगला देखो, पैसेज आ गया, रीड द पैसेज वेरी केयरफुल्ली, रीड द पैसेज वेरी वेरी केयरफुल्ली। हाँ बेटा 231 होना चाहिए आप कोर्स। अब जल्दी बताइए इस पैसेज को, आप लोगों में से कई लोगों ने पहले भी देख चुका होगा। अरे आपकी बुक का पैसेज है ये, दिस वन इज द पैसेज ऑफ योर ओन बुक। जल्दी से पैसेज को रीड करें, मुझे बताएं कि हाँ भाई पैसेज पढ़ चुका हूं, डन। तो मैं इसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ा दूंगा। डू फास्ट, हरिय चलिए इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आपके दो चार हैं, इनको क्विक क्विक वेरी फास्ट। इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट ऑफ, सप्लाई की ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का सप्लाई अगर रोक दिया जाए, कट ऑफ कर दिया, रोक दिया जाए, तो जो ब्रेन की सेल्स हैं वो सर्वाइव रहेंगी, जिंदा रहेंगी। अगर शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया जाए तो जो हमारे ब्रेन की सेल्स हैं कितनी देर तक जीवित रह सकती है, तो आपके पैसेज में दिया गया है दे कैन सर्वाइव 4 to 5 minutes, वेरी गुड। सारे बच्चों का आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, द हार्ट सेंड्स ऑक्सीजन इज ब्लड, जो हृदय है वो ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को भेजता है, कहां भेजता है भाई, जल्दी बताएं कहां भेजता है। अरे भाई पूरी शरीर में भेजता ना भाई, हार्ट का काम है पूरी शरीर में ऑक्सीजन रिच ब्लड को सेंड करना। नेक्स्ट, डॉक्टर जॉन गिब्बन ऑफ यूएसए डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल हार्ट इन, सन दिया गया उसमें डायरेक्ट सन मेंशन्ड है कि अमेरिका के जॉन गिब्बन ने जो आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था दैट वॉज मेड इन 1953। This year is directly mentioned, clearly mentioned in your given passage. तो चलिए इस प्रकार से आपका 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। सर बुला नीचे, टाइम इज अप्रोक्स गेटिंग ओवर, टाइम आपका ओवर हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ।
दोस्तों कैसे आप लोग। इससे पहले कभी आईसीजी जीडीडी में अनाबिलिटी टेस्ट नहीं होता था, अभी यहां से स्टार्ट हुआ है। ये तो 15 ही है, कैसे होगा सर जी पता नहीं क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 + 27। अब देखिए यहां पर आपको अप्रोच लगाना है, क्या लगाना है भैया? अप्रोच लगाना है। अगर आप यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के देखें 196 आ रहा है, इट मींस कि अब ये देखिए कितना हो गया 14। 14 बराबर 13 प्लस x है, तो x की वैल्यू कितना आ रही, 1 आ गई। मतलब आपको डायरेक्ट समझना है, कि क्या आपका अप्रोच होगा। इन दोनों को जोड़िए 14 आ रहा है, मतलब 196 आ रहा है। 196 का मतलब हो गया 14, तो 13 प्लस x अगर 14 है तो x आपका 1 होगा। नेक्स्ट, √8 - √20 √15 √15। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको सोचना क्या है, 8 - 2 = 15 इसका रूट है, इसका दो फैक्टर करिए, जिसको जोड़ने पर या आए, गुणा करने पर या आए। करेक्ट आंसर √5 - √3। क्या मेरे भाइयों, √5 - √3 बोलो, बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? √5 - √3, जितने भी स्टूडेंट इस समय क्लास में हैं, तो क्या आपको ये वाली बात समझ में आई मेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 7,3125 इक्वल, आपका एलसीएम नहीं पता, एससीएफ 125 है, 125 है। तो देखो 100 का गुणा करना है, 7 लाख ले आना है, किसमें 7 लाख ले आना है, तो लगभग 7,000 के करीब, 6,000 के करीब आपको गुणा करना पड़ेगा। 6,000 के करीब में केवल एक आंसर है, 5625। क्या भाई, एलसीएम इंटू एससीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, संख्याओं का गुणनफल हमेशा संख्याओं के एलसीएम और एससीएफ के गुणनफल के बराबर आता है। तो जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा ये 7 लाख है। अगर हम इसको 12 समझे, 12 तो 12 का गुणा कितने से करें, लगभग 6 में करें तब 72 आएगा। तो 6,000 के नजदीक नंबर आने वाला है, 6,000 के नजदीक नंबर आपका 5625 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट, पढ़िए जल्दी से, 15 सेकेंड पढ़िए। एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट इज 12 ईयर, इफ एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इज बिकम 13 ईयर। फाइंड द एज ऑफ द टीचर। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, 12 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना है, अच्छा नहीं 15 स्टूडेंट है भैया, कितने स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट का जो एवरेज एज है वो 12 ईयर है। जैसे इसमें टीचर आया, टीचर के आते ही नंबर ऑफ पर्सन 16 हो गए और सबका 1-1 ईयर बढ़ा, तो 16 ईयर बढ़ गया। इट मींस कि जो टीचर आया ना वो 28 ईयर ओल्ड था। सर क्वेश्चन दो समझ में नहीं आया। ऐसा प्रश्न जब भी कभी आएगा अंकित, और यहां पर दो दिया रहेगा, तो आपको समझना है कि दिस इज द मॉडल ऑफ ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस माइनस रूट बी। तो जब कभी यहां दिया रहेगा दो, तो क्वेश्चन बनाने वाला बहुत मेहरबान है आपके ऊपर, बहुत इजी सवाल बना दिया। अब 8 का 2 पार करना है, जिसको जोड़ने पर 8 आए और जिसको गुणा करने पर 15 आए, मुझे लग रहा है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 and 30। तो देखो 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा, 75। कैसे, 12 × 24 = 36, तो 30 × 60 = 75, ये हो गया आपका 75। एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 25, तो 9 और 25 का जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो कितना होगा, 15। इट मींस कि द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 and 30 एंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 15 इज 9 and 25 इज 5:1।
ओके बच्चे 5:1 क्या आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? कह रहा है कि दो संख्याओं के तृतीय अनुपात 12 और 30 के तृतीय अनुपाती के साथ 9 और 25 के मध्यानुपाती का रेशियो क्या होगा? तो हमने बता दिया क्या होगा मध्यानुपाती का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। रामनाथ सैलरी इज 10% हायर देन हरपाल सैलरी। जो रामनाथ की सैलरी है वो हरपाल की सैलरी से 10% ज्यादा है। अब फिर कह रहा है कि हरपाल की जो सैलरी है वो राम किशन की सैलरी से 15% ज्यादा है। ये 23 और 20 हो जाएगा। कैसे 23% ज्यादा 15% ज्यादा मतलब 115 और 100। तो जब हम इसको 25 से काटेंगे तो 23 और 20 हो जाएगा। अब हम यहां से केवल रेशियो निकाल ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 11 3 33 11 2 22 22 और 3 25 253 230 और 200। क्या करते हैं मेरे भाई राम पहले वाले का रामनाथ का हरिकिशन का और राम किशन का ये आ गया आपका रेशियो। करते क्या ना पहले पद का पहले में मल्टीप्लाई करते हैं पहले का लास्ट में और लास्ट का केवल लास्ट में। पहले पद का सब में गुणा करते हैं और अंतिम पद का केवल अंतिम में गुणा करते हैं। ओके अब मुझे क्या पूछ रहा है कि बता दो हाउ मच परसेंट लोअर देन राम किशन सैलरी। तो 253 से कितना कम है 53 किससे कम है 253 से आउट ऑफ 100। अब देखो मेरे भाई यहीं पर ये चल नहीं रहे यहीं पर अप्रोच काम करेगा। यहीं पर क्या काम करेगा अप्रोच काम करेगा। कैसे अगर मैं इसको 50 समझूं तो 50 250 को 5 बार में कैंसिल करेगा तो 5 मतलब क्या हो गया आपका 50 कितने बार में 5 25 25 5 बार में तो 20 के इर्द गिर्द आंसर आने वाला है और 20 के इर्द गिर्द एक ऑप्शन है 20 240। बात क्लियर हो गई। यही सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच है। यही सवाल को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन What is the cost price of table was sold 1700। अच्छा 15% जैसे इसने लॉस बोला इट मींस कि 85% की वैल्यू 1700 है तो यहां से 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी 20 तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी 2000। बोलो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी मेरे भाई 2000 आ जाएगी। 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी 2000 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अ सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर मतलब दोगुना हो जाती है 4 साल में। कह रहा है कि इट विल अमाउंट टू 16 टाइम कितने ईयर में हो जाएगी तो इस 16 को हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 और इस 4 का 4 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 4 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। सम ऑफ मनी कंपाउंड है ना तो सोलह गुना का मतलब 2 की पावर 4 सही है 16 साल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यक्स प्लस 1/x अगर कभी भी 2 मिल जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x यक्स पावर m प्लस 1/x n ऑलवेज 2 होगा 2 के अलावा कभी कुछ नहीं होगा तो करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाओ आप। इफ द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज आई एंड एंगल ए इक्वल 60 डिग्री देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ बी आई सी। आप में से बिल्कुल भी जवाब नहीं आ रहा है ये बहुत बेकार बात है कि आप में से किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। कैसे करेंगे मेरे भाई का ट्राइंगल एबीसी और दिस इज द इन सेंटर। इन सेंटर कौन सा पॉइंट होता है जहां पे दोनों इंटीरियर एंगल के एंगल बाइसेक्टर जाके काटते हैं तो यहां पे बना हुआ कोण जो होता है ना वो 90 प्लस वर्टेक्स एंगल का हाफ होता है।
तो 90 प्लस वर्टेक्स एंगल कितना है 60, तो 30 हो जाएगा। इट मींस कि योर करेक्ट आंसर विल बी 120 डिग्री। आपका सही वाला आंसर क्या होगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट गेट्स 20% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 30 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट गेट्स 32% मार्क्स विच इज 42 मार्क्स मोर देन पास मार्क, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स। जल्दी से बता दो, ये एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। इस हिसाब से आपको समझना है बात को कि कैसे आप देखिए, आप स्कोर को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट समझिए इस बात को, ये आपका टाइम अब बहुत मतलब काउंट करेगा, और अगर आप चाहते हैं कि जैसे तैसे काम चल जाएगा तो काम चलने वाला है नहीं, आपको एडाप्टेबिलिटी टेस्ट में अगर 90% करना है मेरे भैया। तो देखो जरा ये भाई, जब 20% पाया था तो फेल हो गया था, और जब 32% पाया था तो पास होने से भी ज्यादा नंबर पा गया था। इसका मतलब पास होने का जो परसेंट होगा वो 20 से ज्यादा 32 से कम होगा। एक ऑप्शन है टिक करके आगे निकलने, एक ही तो ऑप्शन है 32 और 20 के बीच में 25%, और हमने सीधे इसको लगाया और हम निकल गए मुस्कुराते हुए अगले सवाल की तरफ। 11 पेंसिल, चलो जल्दी पढ़ो, वैसे तो आप जवाब बहुत कम लोग दे रहे हैं, एक दो लोग ऐसे हैं जो जवाब दे रहे हैं, मात्र एक दो लोग। फेलोर बॉय बता रहा है करेक्ट आंसर, देखो फेलोर बॉय बेचारा बता रहा है और ये सब नहीं बता रहे हैं। बोलो बोलो, 11 पेंसिल की कीमत 10 है और 10 पेंसिल की कीमत 10 पेंसिल की कीमत 11 है। जब ये नंबर को प्राइम हो, जब ये नंबर को प्राइम हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, सही है। कितना आ गया मेरे भाई 21%, कितना आ गया 21% इज द करेक्ट आंसर, 21% इज द करेक्ट आंसर। इन अ नंबर इन अ क्लासरूम, लगाओ, क्योंकि 2 मिनट मेरे पास है, अभी 4 मिनट, 6 मिनट है भैया, 6 मिनट में तुम्हें क्वेश्चन बचा है। चलो प्रिया तुम ही बता दो मेरे बच्चे, सत्यम प्रिया फेलोर बॉय, जो लोग बता रहे अंकित एकदम से ठंडे पड़ गए आप लोग, अरे बताओगे कौन, बताओगे सही क्या चल रहा है, आंसर तो टिक करोगे मेरे भाई। देखो आप, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो 3:1 का है, इट मींस कि जो इनका सम है वो 4 है, तो 4 से न कटने वाली संख्या 42 कभी भी संख्या नहीं हो सकती। 42 लव यू गवर्नमेंट जॉब सर, अडॉप्टेबिलिटी टेस्ट इंग्लिश में होगा क्या? यस बिल्कुल, 100%। पेपर इंग्लिश में क्यों आया मेरे बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, ट्रिपलेट्स यूज करना है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 होगा, 1 माइनस साइन का मतलब क्या हो जाएगा 4/5, और फिर 1 प्लस 4/5, सही है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा 5, 1/5, 4/5, 1/5, और कितना हो गया आपका 1/3, आपका करेक्ट आंसर हो गया मेरे भाई, करेक्ट आंसर क्या हो गया 1/3। यक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो अगर यक्स माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, इट मींस कि यक्स बराबर 2 यहां रखना पड़ेगा, यक्स बराबर 2 यहां रखना पड़ेगा, यक्स बराबर 2 रखने पर ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 4q बराबर माइनस 4 है, देन क्यू बराबर माइनस 1 आएगा, यही आपसे पूछा था, और ये 15 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के रहे, जो मैंने विद इन टाइम कंप्लीट किया। आपकी संख्या अच्छी नहीं है फिर भी, अगर किसी क्वेश्चन में, अभी देखो मेरे पास टाइम है 3-4 मिनट का, इन 15 प्रश्नों में कहीं भी किसी बंदे को कोई डाउट हो अगर,
तो किसी भी क्वेश्चन को आप फिर से मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको अगेन बताने का प्रयास करूंगा। कहीं भी कोई क्वेश्चन पे प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बिंदास बता सकते हो। आप अगले टीचर में पढ़ते आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर आप में से किसी को भी क्वेश्चन नंबर 8, एक बंदा कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 8 मुझे बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या प्रॉब्लम है। अरे यार क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि कोई धन 2 साल में 4% डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट डबल आफ्टर इटसेल्फ इन 4 ईयर। तो 2 साल में कितना, 4 साल में दोगुना हो गया ना, दोगुना हो गया 4 साल में, तो 16 गुना। तो आप गुना को कुछ ऐसे बदलिए कि आपका क्या हो जाए, पहला गुना बेस में आ जाए। 16 का मतलब 2 की पावर 4, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 आ जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, जो दूसरा वाला गुना है, जैसे पहला गुना कितना है 2 है और दूसरा गुना कितना है 16 है, तो 16 को आप कुछ यूं अरेंज कर दीजिए कि वो पहला गुना के पावर में बन जाए। तो 16 बराबर 2 की पावर 4, जैसे आप इसको 2 को देख पाए इसका काम खत्म हो गया। 4 का उठा के 4 पर पटक दीजिए, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, 16 हो जाए, कितना हो जाएगा 16। अंकित बताइए अगला सवाल, अंकित आप बताइए अगला सवाल। कहीं भी कोई प्रॉब्लम और किसी सवाल में, किसी और सवाल में कोई प्रॉब्लम और किसी को, और मेरे किसी भैया को, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, और किसी को भी किसी सवाल में प्रॉब्लम हो तो अनडाउटली आप मुझसे पूछ सकते हैं बिंदास, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रिया करें क्वेश्चन नंबर 9, प्रिया करें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। अरे वाह, आपको पता होना चाहिए कभी भी अगर यक्स प्लस 1/x2 होगा तो यक्स की पावर, मतलब इस एक्सप्रेशन में, इस टाइप के एक्सप्रेशन में अगर राइट हैंड साइड पे 2 आएगा तो उत्तर ऑलवेज 2 ही होगा, 2 के अलावा कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, अरे बाप रे, क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 169 + 27 / 169 रूट के अंदर बराबर 13 + x / 13, इसको जोड़ेंगे आप पर आपका 196 / 169 बराबर 13 + x / 13। मेरे भाई ये बाहर आएगा कड़ी से तो ऊपर कितना होगा 14 × 13 बराबर 13 + x / 13, 13 से कट गया, x का मान कितना आएगा 14 आएगा। सर वीडियो धुंधला लग रहा है, पता नहीं क्यों, बता दो बात क्लियर है क्या, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए मेरे भाइयों, हो आप उसे बिंदास बोलिए। किसी भी प्रश्न में आपको समस्या हो रही हो तो आप बिंदास बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं है। वीडियो रुक रही है, क्लास लाइक कर रही, पता नहीं,
चलिए बच्चों, छह नहीं आया। ओके ओके, इज दैट द वीडियो क्लियर? जय हिंद बच्चों, वेलकम टू मेरे क्लासेस ICG GDDB। दिस इज द स्टेज टू अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। सो एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द अडेप्टेबिलिटी। ओके, जय हिंद, जय हिंद अंकित जी, जय हिंद फेल्योर। व्हाई डिड यू राइट योर नेम लाइक फेल्योर हुआ? यू आर सक्सीड हुआ। ओके, सो दिस इज द अडेप्टेबिलिटी टेस्ट प्रैक्टिस फॉर द ICG GDDB जनरल ड्यूटी और द DB मीन्स डोमेस्टिक ब्रांच। ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू क्रैक दिस स्टेज, स्पेशली स्टेज टू, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेज टू, सो इफ यू वॉन्ट टू क्रैक दिस स्टेज, यू विल हैव टू बी विद द वेरी शार्प माइंड। ओके, आपको बहुत ही तेज दिमाग से बनना पड़ेगा, और तेज दिमाग का होने के लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि वास्तव में वो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में क्या क्या आपसे पूछ लेता है, है ना? क्या वो आपसे चाह रहा है, उसकी इच्छाएं क्या है। तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट को पहले आप हमको ये समझ लेते हैं, दोनों ही चेक किया जाएगा, एप्टीट्यूड प्लस एटीट्यूड। व्हाट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू हैव आल्सो। किस प्रकार का आपके पास एप्टीट्यूड है और किस प्रकार का आपके पास एटीट्यूड है, दोनों ही शब्द बहुत अलग अलग हैं, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, और इसीलिए अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपके लिए रखा गया है। ठीक, सवाल कराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो पहले हमको ये समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। जो एप्टीट्यूड है वो आपके इंटरेस्ट एरिया देखता है, जहां आपका माइंड इन जनरल काम करता है। कैसे काम करता है? इन जनरल, सामान्य तौर पर काम करता है। जैसे इफ आई हैव इंटरेस्ट इन म्यूजिक, या मैं हम ये कहें कि इफ आई हैव द एप्टीट्यूड ऑफ म्यूजिक, अगर मेरे पास म्यूजिक का एप्टीट्यूड है, मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए तो मैं बहुत बढ़िया म्यूजिशियन बन सकता हूं। तो एप्टीट्यूड एक ऐसा इनबिल्ट फीचर होता है आपकी बॉडी के अंदर, जिसको थोड़ा सा ग्रूम अप किया जाए, थोड़ा सा निखारा जाए, तो वो बेटर क्वालिटी बन के आ सकती है। तो आपके पास ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने के आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं है? क्या हम थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर के आपको ICG DDDB ब्रांच में ला सकते हैं? यदि हाँ तो ऑफकोर्स यस। उसी के लिए आपको टेस्ट और एटीट्यूड, आपका सर्विस एटीट्यूड कैसा है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ICG एंड द फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर बींग परफॉर्म बाय द ICG फॉर द सर्विंग द नेशन। तो देश की सेवा देने के लिए आपका क्या एटीट्यूड है, इन दोनों टेस्ट को ही अगर आप एडेप्ट कर पाते हैं, इसी टेस्ट का नाम है अडेप्टेबिलिटी। एंड यू विल हैव टू बी क्विक, आपको बहुत तेज जवाब देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाएगा, और इस बात का समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अपना जो बिहेवियर है वो सडन चेंज कर दें, चेंज कर लें। इसीलिए इतनी जल्दी से आंसर देना होता है, इसमें आंसर देना पड़ेगा आपको, ठीक, वो मैं भरना पड़ेगा, कि आपको ज्यादा सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। तो जो हो तुम वही दिखेगा, तो बेटा आप जो है उसी हिसाब से जवाब देना है, ठीक है? आपको ये नहीं सोचना है कि मैं सोच के बताऊंगा, ये कर लूंगा, नहीं। अगर आपको किसी चीज के बारे में सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास एप्टीट्यूड और एटीट्यूड थोड़ा सा अभी अडेप्टेबिलिटी की स्टेट में नहीं आया है। आपको इस हिसाब से काम करना है कि आपका जो अडेप्टेबिलिटी स्टेज टू है वो सचमुच में आप उसके अडेप्ट हो जाए, ओके, अनुकूल हो जाए। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है अनुकूलन परीक्षण, क्या आप है कि नहीं। तो मगध का कंटेम्प्रेरी रूलर कौन था उस समय, जिस समय भारत पर अलेक्जेंडर ने अटैक किया था? वाज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ मगध एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर? Who was that contemporary ruler of the Magad at the time of Alexander?
ओके, तो अलेक्जेंडर जिस समय आया था भारत में, उस समय जो मगध का शासक था वो घनानंद था। ठीक, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात करते हैं जो मगध है, ये मगध वास्तव में कैसे एम्पायर बना। बिफोर मूविंग अहेड टुवर्ड द टॉपिक वी शुड स्टार्ट विद द स्टोरी। ओके सर, एटीट्यूड कैसे लाए? तो जो एटीट्यूड होता है ना, हमें हमेशा को पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एक्टिविटीज से डेवलप करना होता है। जैसे ये एक दिन का काम वैसे होता नहीं है, इसीलिए आपको ये एडेप्टेबिलिटी रखा गया है, क्योंकि बच्चे एक दिन में आप इसको बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते। बाई नेचर बच्चे इस उम्र तक ठीक ही होते हैं, एटीट्यूड को किसी के प्रति गलत और सही नहीं बना पाते। ठीक, तो अभी आप बिल्कुल बहुत छोटी उम्र में हैं, तो आपका कोई अलग से कोई आइडियाज नहीं है, लोग जैसा कहेंगे आपको वैसा ही समझ में आएगा, इसीलिए आप जो सोचेंगे वो अपने हिसाब से सोचेंगे, क्योंकि अभी आपने लोगों के बारे में बहुत नहीं सुना है, आप अपने हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, तो उसमें अभी आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, और इतने कम समय में कुछ किया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा नहीं नहीं ये तो रॉकेट साइंस है, आप ये बहुत बड़ी चीज है, तो ऐसा भी नहीं है। बस अपना जो बैलेंस है माइंड का, व्यूज है, किसी को बहुत नेगेटिव नहीं होता है, किसी के प्रति भी बहुत नेगेटिव नहीं रहता है ना। कमियां ढूंढना है, लेकिन कमी ही ढूंढना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सुधार करना है ना। वी हैव टू बी इनोवेटर, हमें एक नई चीज बनाने वाला बनना चाहिए, एक डिजाइनर बनना चाहिए, क्रिएटर बनना चाहिए, हर तरीके का आइडियाज हमारे पास होने चाहिए। बस वही है, और कुछ है नहीं। कि आप कैसा बिहेवियर अपनाते हो, कैसा फॉलो करते हो, बेटा उसकी क्लास को हम देखो, यहाँ पर जो आईसीजी जीडीडीबी है वही है एक्चुअल में, उसकी क्लास होगी कि नहीं इसके बारे में फिलहाल मुझे कोई खास जानकारी नहीं है। ओके रोहित जी, नहीं नहीं रिद्धि गोसाई जी, ओके यस, तो आपको फेयर होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए कि जो एक एम्पायर बिल्डर होता है, हमेशा ही वो एम्पायर बिल्ड करते समय बहुत सारी चीजों को ख्याल में रखता है। सो इफ यू आर एंटरिंग द आईसीजीडी और डीबी, जब आप उसमें प्रवेश करते हैं, व्हेन यू एंटर दिस सर्विस, तो आपको ये सोचना है कि अपने देश का इंटरेस्ट को हम लोग कैसे सर्व कर सकते हैं। ठीक, उसके लिए हमें यहां से कुछ सीख सकते हैं मगध एम्पायर से। यहां मगध एम्पायर में सबसे पहले जिस डायनेस्टी का डेवलपमेंट हुआ उसे बोलते हैं हर्यंकर डायनेस्टी। क्या बोलते हैं उसे? हर्यंकर डायनेस्टी। हर्यंकर डायनेस्टी का डेवलपमेंट होता है। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ हर्यंकर डायनेस्टी व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द बिंबिसार, टू अदर डायनेस्टी वर आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय अदर रूलर्स, बट फर्स्ट वन ऑफ देम वाज द हर्यंकर डायनेस्टी। सो द हर्यंकर डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द बिंबिसार और फाउंडेड बाय द बिंबिसार। बिंबिसार वाज टू डिप्लोमेटिक पर्सन, बहुत डिप्लोमेटिक था। शाम दाम दंड भेद ऑल द काइंड्स ऑफ वेज ही एक्सप्लोर्ड, जितने तरीके हो सकते थे उसके पास उसने सबका इस्तेमाल। और इसीलिए जब हमें अपने देश के इंटरेस्ट को सर्व करने की बात आती है, स्पेशली व्हेन वी सर्व थ्रू द आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के माध्यम से हम करते हैं, तब हमारे पास ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्योंकि कोस्टल एरिया से शिपिंग के माध्यम से बहुत ज्यादा होती है सब। ठीक है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, तो इन सब क्राइम्स को रोकने में जीडी और डीवी का ही बड़ा रोल होता है। ऑफिसर्स सिर्फ ऑर्डर देते हैं, हम ऑन ग्राउंड वहां काम करते हैं। जब हम ऑन ग्राउंड काम करते हैं तो हमको यह समझ होना चाहिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि हम इन सबको कैसे रोक सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ये तो मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ। तो जो बिंबिसार है जब वो अपना पूरा एक मगध एम्पायर खड़ा कर सकता है ना, साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो हम अपने देश का इंटरेस्ट हम तो मिलकर सर्व कर ही सकते हैं। इसीलिए सवाल पूछा गया है। तो एक्चुअल में अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में आपने इतना पढ़ा है वो तो ठीक है, उसके साथ साथ आपकी जो और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे सवाल होंगे आपसे, 7-8 सेक्शन है उसमें, तो 7-8 सेक्शन है। ठीक है, जो 7-8 सेक्शन होते हैं आपके, उसमें
अडेप्टेबिलिटी स्टेज में ठीक, उसमें कुछ ऐसे सवाल होंगे जिन्हें आपको ऑन द स्पॉट आंसर करना पड़ेगा। ओके, तो आप उसके लिए सोच, कम से कम सोच पाए कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर यह घनानंद है। नेक्स्ट देखें, हु वाज़ द फर्स्ट मार्टिर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। देखो सवाल बड़े जबरदस्त तरीके हैं। कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रथम क्रांतिकारी था, ऐसा ही था जो 1857 की क्रांति में अपने आप को शहीद कर लेता है, शहीद हो जाता है, तो वो है मंगल पांडे। सवाल का जवाब ऐसे ही आना चाहिए, जैसे मैंने पूरा ऑप्शन भी नहीं पढ़े हैं ठीक, तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप कितनी, देखो आपकी स्पीड भी मैटर करेगी वहां पर, आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करेगी वहां पर, तो दोनों चीजों को आपको बहुत और खास ख्याल रखना है। मंगल पांडे क्या करते हैं, मंगल पांडे से एक खबर आती है कि आपका जो कार्टेज है, जो कार्टेज है उसको ग्रीस लगाया गया, ग्रीस, एंड दिस ग्रीस इज मेड अप ऑफ फैट ऑफ द काउ एंड गाय एवं सुअर की चर्बी को मिलाकर के इस कार्टेज के ऊपर लगाया गया कार्टेज को, और इस कार्टेज को बोला जाता है कि मुंह से काटना पड़ता था, इट हैज टू बी बाइट एंड बाइट ऑफ बाय माउथ, ना मुंह से काट के अलग करना पड़ता, तब जाकर के हम ये कर सकते। मंगल पांडे को बस इसी बात पर गुस्सा आ गया और इनसे कहा गया कि आप इस कारतूस को फायर कीजिए, कारतूस को फायर कीजिए। इन्होंने क्या किया, 29 मार्च ऑफ 1857 अपने दो सीनियर ऑफिसर्स को गोली मार दी और तलवारों से हमले कर दिए, एंड एंड रिजल्ट वाज दैट कि ऑन द 8 अप्रैल को ही इन द सेम ईयर, और बोल सकते हैं विद इन अ फ्यू डेज ही वाज हैंग टिल्ड, उसको फांसी दे देंगे, तो मंगल पांडे जी को फांसी दे देंगे। ओके, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जल्दी से आंसर कीजिए, गला दर्द कर रहे भैया, 1928 हाँ तब भी बंद करते हैं, मुझे खुद पसीना आ रहा है, इसके बावजूद मैं नहीं चला रहा हूँ, पता नहीं गले को क्यों पकड़ लेता है। चले क्या होगा सही जवाब, अगला सवाल चेस का दिया कि नहीं जवाब, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन सा है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा है, इसीलिए आंसर क्या होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा, लोकसभा में कितनी सीट्स को रिजर्व किया गया है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, दिस प्रोविजन हैज बीन एंडेड, ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। चार का डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएजी, अंडर विच आर्टिकल सीएजी इज अपॉइंटेड। नितिन यादव, अंडर विच आर्टिकल सीएजी इज अपॉइंटेड, शुभम कुमार,
आईसीजी जीडीडीबी क्वेश्चन पेपर, अच्छा हिंदी में कर देते हैं, लो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति की जाती है, बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कैग की नियुक्ति की जाती है। सही जवाब क्या है 148। नेक्स्ट, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर। ओके, नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी लार्जेस्ट श्रृंखला कौन सी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है सबसे लंबी, तो क्या होगा आंसर, एंडीज साउथ अमेरिका। लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बच्चों, देखें कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट, मीन कैंप एक किताब है बहुत फेमस, किसकी किताब है ये, मीन कैंप किताब किसने लिखी है, फेल्योर बॉय, सही जवाब है, मीन कैंप एक काफी फेमस बुक है, किसने लिखी है बच्चा, मीन कैंप इज रिटन बाय, हु हैज रिटन इट, ये किसकी है, हिटलर की किताब है ये। अगला, कथक किस राज्य का डांस, किस प्रदेश का राज्य डांस है कथक, कथक किस प्रदेश का है भैया, नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश। ओके, आगे देखें, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, Which is the highest civilian award? कौन सा है भैया, ये है भारत रत्न, भारत रत्न highest civilian award है। Next, अर्जुन award किस क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन अवार्ड भाई, सुना भी है कि नहीं आपने, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, वैसे सवालों का जवाब कैसे देना है पता है, स्पीड, अर्जुन अवार्ड इज गिवन इन स्पीड, स्पोर्ट्स, वेयर इज एफिल टावर सिचुएटेड, फ्रांस, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, न्यूयॉर्क, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द टोक्यो ओलंपिक, 7,
ठीक है, सेवन देखो जिस वाले सेक्शन से वास्तव में जो सवाल आते हैं वो सवाल आते तो इतने ही हैं। अब हमें ये देखना है कि और क्या रैपिड फायर आपसे पूछा जा सकता है। रैपिड फायर, तो रैपिड फायर मैं आपसे पूछता हूं और आप मुझे जवाब दें जल्दी जल्दी से, एकदम रैपिड है ये, जबरदस्त रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ। ओके चलिए बताइए, आपसे पूछा जाए तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, सुप्रीम कमांडर, फटाफट फटाफट बताइए, सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री कौन होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है प्रेसिडेंट। फटाफट नोट करते जाइए, ठीक है। और क्या, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक किसको कहते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था इंडिया का? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान में कौन है? प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? उपराष्ट्रपति। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। अभी किसी को कैश फॉर क्वेरी केस में फंसाया गया है या फंस गया है? कैश फॉर क्वेरी केस जो है किससे संबंधित है? कैश फॉर क्वेरी, किससे संबंधित है? महुआ मोइत्रा, टीएमसी की मेंबर थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा, टीएमसी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। कैश फॉर क्वेरी एक स्कैम चला था, अभी अभी पूछा जा सकता है आपसे कौन है क्या है। राजेश कुमार मीना, बेटा कट ऑफ जो गया है वो जहां तक मुझे भी ध्यान है, बाकी कल हमने वीडियो बनाई थी मेरे कल सिंह मेन चैनल पर, जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए गया है 72, कितना गया है 72, और ओबीसी वालों के लिए गया है 67 के आसपास, और फिर उससे उससे कम है EWS का, ठीक है। जनरल वालों का टॉप 72 पर गई इंजीनियरिंग, जबकि जो डीवी वाली का टॉप है जनरल वालों का टॉप 40 के 44 के आसपास गई है। ठीक है, आईसीजी जीडीडीबी की जो कट ऑफ है वो गई है इतनी।
हाँ मॉक लेंगे अभी, ठीक है 6:30 बजे आएंगे। नहीं सर 6:30 बजे तक हम आपको कुछ रैपिड फायर बता रहे थे, ठीक है। चलिए तो आपने इतना सा क्लियर कर लिया। अब देखो, अब आपसे सिंपल पूछा जा सकता है एक बात, तो क्या पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा सकता है कि भारत की जलवायु कौन सी है, क्लाइमेट क्या है इंडिया का, क्या है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मैं उन सवालों को आपको बता देता हूं जिनकी संभावना है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना, पर आपसे पूछा जाए कि भारत में मानसून आता है वो कौन से गर्मियों में जो आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, जो क्या है समर मानसून है। जो सर्दियों में आता है उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, वो आता है विंटर में। क्लियर, इतनी बात सिंपल है, आपसे यहां से पूछा जा सकता है, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है क्रॉप्स पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है क्रॉप्स पूछ लेगा। जो रबी क्रॉप होती हैं वो अलग होती हैं, खरीफ क्रॉप अलग होती हैं, और जो जायद हैं वो अलग होती हैं, ठीक। जैसे रबी की जो बुवाई की जाती है सोइंग, वो कब होती है, नवंबर दिसंबर में। काटी कब जाती है, तो हार्वेस्टिंग होती है मार्च अप्रैल में। ठीक, फिर खरीफ कब बोई जाती है, तो जून जुलाई में बोई जाती है, जुलाई के आसपास, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक, जो जायद है वो अप्रैल मई जून या मई जून के महीने में बोई जाती है,
और उसी महीने में फिर काट भी ली जाती है, यानी लंबे समय की फसल नहीं होती। ठीक है, जैसे इसमें देखोगे एग्जांपल गेहूं है, आलू है, जौ है कि नहीं, गेहूं है, जौ है, आलू है, प्रमुख फसल है जो रबी की है। बाकी खरीफ में देखो, खरीफ में क्या, बाजरा है, ज्वार है, तिलहन है, दलहन है, ठीक, नोट करते रहिए फटाफट। ओके चलिए, और क्या पूछा जा सकता है आपसे रिवॉल्यूशंस के बारे में, क्रांति के बारे में, जैसे कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है, ठीक, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से संबंधित है, पिंक रिवॉल्यूशन प्रॉन मछली से संबंधित है, ठीक, राउंड रिवॉल्यूशन है वो आलू से संबंधित है, ठीक, और फिर अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजना, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, फटाफट इतना नोट करो, ब्लू रिवॉल्यूशन, ये सिंपल फिश प्रोडक्शन, जल्दी से नोट करो।
रेवोल्यूशन हो गया। एकदम रैपिड फायर पॉइंट है ये। अब देखो जैसे मनी मार्केट, मनी मार्केट में हेड कौन होता है, मुखिया कौन होता है भाई, तो आरबीआई होता है। स्टॉक मार्केट में मुखिया कौन होता है, तो सेबी होता है। हमसे तो इतना तो पता होना चाहिए ना, सेबी होता है। ठीक, इंश्योरेंस मार्केट में कौन होता है, तो इंश्योरेंस मार्केट जो बीमा बाजार है उसमें कौन मुखिया होता है, तो IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, IRDAI इसको बोलता है। अब देखो इसकी स्थापना हुई 1935 में, इसकी स्थापना हुई 1990 में, इसकी स्थापना इसका तो ईयर ही नहीं, थोड़ी दो इसको कोई नहीं पूछता। खैर आपसे इस बात की संभावना है कि आरबीआई को बहुत ज्यादा पूछा जाए। ठीक है, बाकी आरबीआई 1 जनवरी को 1949 को प्राइवेट बैंक थी, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। फिर बाद में कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जैसे 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड की गई थी। ठीक है, 14 बैंक नेशनलाइज्ड की गई। 1980 में 6 बैंक नेशनलाइज की गई। ठीक है, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है आपसे पूछा जा सकता है, कौन बनाता है भाई, बता सकते हैं कौन बनाता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। इसका उद्देश्य क्या है, महंगाई को कम करना और ब्याज दर को कंट्रोल करना, ब्याज दर को कंट्रोल करना, ये उसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए बाकी जीएसटी कैसा टैक्स है, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है, ये वो सवाल है जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। जीएसटी कब लागू हुआ, तो 2017 में लागू, 2017 में लागू हुआ। क्लियर, अब जो जीएसटी है इसके फैसले कौन लेती है, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद का हेड कौन होता है, जीएसटी परिषद का मुखिया होता है वित्त मंत्री, कौन होता है, वित्त मंत्री इसका मुखिया होता है। नोट कीजिए फटाफट,
इन दोस्तों पेपर वाला हुआ पानी कर देते दोस्तों। तो आ जाओ जरा बताओ, देखो कौन सा क्वेश्चन आपके सामने। इन अ सर्टेन कोड बिलीव इज रिटन ए के ए एफ के डी आई, क्या करना आपको अब यहां। तो अभी आराम से ही डी ई एल आई ई एफ, इसका जो कोड है क्या है आपका ए एफ के डी आई। तो आप क्या देख रहे हैं, एक घटाया है एक बढ़ाया है, एक घटाया है दो बढ़ाया है, फिर दो बढ़ाया फिर क्या किया, फिर एक घटाया है फिर तीन बढ़ाया। वाह भैया वाह। तो अगर मैं 13 में तीन बढ़ाऊंगा 16 हो जाएगा, दो ऑप्शन बचे। अब क्या किया, एक घटाया है तो यस में से एक घटाएंगे, 19 से एक 18 आ जाएगा। क्या आ गया आपका, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। आज दोस्तों कुछ टाइम को लेकर के दिक्कत हुई है, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, आ जाइए। क्या कह रहा है कि विच कलर इज फाउंड अपोजिट इन द ग्रीन कलर इन द फॉलोइंग डाइस। ग्रीन का अपोजिट चाहिए किसका, ग्रीन का अपोजिट चाहिए ग्रीन का। यहाँ पे क्या है, रेड पिंक है, यहाँ रेड और ब्लू है, रेड ब्लू ब्लैक है ना। तो क्या इसमें रेड 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 हमारा कॉमन हो गया, तो रेड हो गया, रेड के बाद ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद पिंक हो गया। यहाँ पे रेड हो गया, रेड के बाद ब्लू हो गया, ब्लू के बाद ब्लैक हो गया। तो ग्रीन का उल्टा ब्लू होगा भैया, ग्रीन का ऑपोजिट कौन सा होगा, ग्रीन का ऑपोजिट ब्लू होगा, ग्रीन का ऑपोजिट ब्लू। दिस इज द क्वेश्चन, ये भी डाइस का ही क्वेश्चन है, चार के अपोजिट पूछ रहा है, किसके, चार के अपोजिट। तो 6 2 4 हो जाएगा, 6 2 4 और यहाँ 6 5 3, 6 5 3। तो चार का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तीन। चार का ऑपोजिट कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, सही है, चार का ऑपोजिट तीन हो जाएगा। ओके, इफ योर पोजीशन इज 11, इधर से भी 11 इधर से भी 11, तो कितना आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21। ए कितना है, 2, मतलब दो गुना किया है। तो बी मतलब 2 का मतलब 4, 5 का मतलब 10, 20 का मतलब कितना, 40, 50 54 कितना, 54। अब आप नहीं देख रहे हैं तो मुझे तेजी से सॉल्व करना पड़ रहा है क्योंकि कोई बंदा नहीं देख रहा है क्लास। अब यहाँ पे क्या है आपका, 2 का गुणा किससे किया है, 11 से। 2 का गुणा किससे किया, 11 से। 11 का 9 2 18, 9 2 18 19, 9 से। अब इसके बाद किससे, 7 से। अब किससे करेगा, 5 से। किससे, तो 5 से करेगा अगर, तो 13 5 65 के करीब आएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूप इज ब्रदर ऑफ ओमवीर, जो रूप है ना किसका भाई है, ओमवीर का भाई है। मीना इज सिस्टर ऑफ रूप, तो मीना इनकी बहन हो गई, मीना इसकी बहन हो गई। राम इज ब्रदर ऑफ हेमू, अभी नहीं, हेमू इज डॉटर ऑफ ओमवीर, जो हेमू है ये इसकी बिटिया है। अच्छा, मीना इज सिस्टर ऑफ रूप, राम इज द ब्रदर ऑफ हेमू। अब है ये रूप है भैया, अब इसका भाई जो है ना वो राम है, इसका भाई कौन है, राम है, ठीक है। हेमू इज द डॉटर ऑफ, श्याम इज द फादर ऑफ मीना, श्याम जो है ना वो इसके मीना के पिता है। हाउ इज हेमू इज रिलेटेड टू श्याम, हेमू का श्याम से क्या रिश्ता है, तो श्याम के बेटी, श्याम के बेटी का मतलब कि क्या है ये भाई, श्याम के बेटी का भाई है ना ये रूप इज द ब्रदर ऑफ ओमवीर, ये ओमवीर, ओमवीर है।
तो भाई अब इसका इसके बेटी के भाई का बेटा नाना हो रहा है भैया, मैटरनल ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर हो रहा है। नेक्स्ट हेमू इज द हाउस हेमू, तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी फिर ये क्या हेमू ना, हाउस हेमू इज रिलेटेड टू श्याम, श्याम हेमू श्याम की क्या लगती है, तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी फिर क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, प्लस मीन्स डिवाइड, तो क्या 36 के बाद मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस 12, और ये क्या है आपका, अगर ये प्लस है तो प्लस मीन्स डिवाइड है, प्लस मीन्स क्या है, प्लस मीन्स डिवाइड, और ये डिवाइड है, डिवाइड मीन्स क्या है प्लस, और ये फिर प्लस का मीन्स क्या है, प्लस मीन्स डिवाइड, और माइनस मीन्स क्या है मल्टीप्लाई, ये पूछा है भैया। तो 36 में से यहां कितना आएगा, 3 आएगा, और प्लस 6/2 का मतलब 3 क्या है 9, तो 36 9 45 में से 3 गया 42 आएगा, बस साइन कार्य दिख नहीं रहा था। तो देखो क्या है आपका, ये आपका है 7 का स्क्वायर प्लस 1 50, ये क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 1 65, अब आपको दिख गया 11 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 1 145, क्या हो जाएगा 145। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउस यम का क्या है आपका, 2 घटाया है तो 12 का क्या करेगा 10 करेगा, ठीक है ना, 15 को क्या किया इसने 16, 1 बढ़ाया है तो 9 को क्या करेगा 10, तो जे जे 2 जगह है, एक जगह है जे जे, एक ही जगह है जे जे, तो आपने करेक्ट आंसर लगा दिया, और ये आपके सवाल का करेक्ट, देखो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, यहाँ पर ये वाली बात आपको नहीं बतानी थी, लेकिन सवाल बनाने वाले ने क्या किया है, सवाल बनाने वाले ने इस बात को दिखा दिया है, यहाँ क्या करना था आपको 8 6 48 5 3 15 जोड़ दिया 63, ऐसे ही 8 5 40 7 6 42, तो 40 में 42 जोड़ें कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 82। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ब्लैक मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स एलो, एलो मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्राउन, द व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो सब क्लियर स्काई कैसा होता है ब्लू, और ब्लू मीन्स क्या है, ब्लू मीन्स क्या है, ब्लू मीन्स व्हाइट, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि क्लियर स्काई कैसा होता है व्हाइट होता है, क्लियर स्काई कैसा होता है ब्लू होता है, नीला आसमान ना, और ब्लू को क्या कहा गया यहाँ पे व्हाइट कहा गया दोस्तों, ब्लू को व्हाइट कहा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द बेस्ट रिलेशन अमंग स्नेक लिजार्ड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वालों के बीच सांप और छिपकली दोनों आ जाएंगी, तो डी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वाई इज इन द ईस्ट ऑफ यक्स, तो यक्स जो यक्स वाई यक्स के ईस्ट में है, ठीक है, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड, वाई इज द ईस्ट ऑफ यक्स जो कि विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड, तो जेड से नॉर्थ में यक्स है, नॉर्थ ऑफ जेड, पी इज द साउथ ऑफ जेड, पी जेड के साउथ में है, पी जेड के साउथ में, इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी, तो वाई पी से किस डायरेक्शन में है, वाई पी से किस डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा आपका वाई पी से हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हो गया ये जो वाई बीच लगा है ये गलत है, फिर वाई इज द ईस्ट ऑफ यक्स, वाई इज द ईस्ट ऑफ यक्स, तो यक्स के पूरब में कौन है वाई है, वाई इज द ईस्ट ऑफ यक्स, हमने गलत रख दिया था, वाई इज द ईस्ट ऑफ यक्स विच इज इन द नॉर्थ ऑफ डेड, विच इज वाई यक्स के पूर्व में, ठीक है,
यक्स विच वाई इज द स्टाफ यक्स विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड. तो नॉर्थ क्या जेड का ये हो जाएगा, ठीक है नॉर्थ ऑफ जेड. अगर इससे चलेंगे तो गड़बड़ हो रहा था. फिर जेड इफ पी इज द साउथ ऑफ जेड, पी यहां पर है तो ये आपका आने दे, मतलब यहीं से चलना है हमको, हमको इससे लेना है. फिर यक्स इज द, यक्स इज द, वाई इज द ईस्ट ऑफ यक्स, वाई यक्स के ईस्ट में है, ठीक है. विच इज द नॉर्थ ऑफ जेड, अगर ये नॉर्थ है जेड की. इफ पी इज द साउथ ऑफ जेड, पी इससे भी साउथ है तो ये फिर इससे तो आपका जेड नॉर्थ आ गया. ये कितना आ गया, नॉर्थ आ गया. झंडवाम क्वेश्चन है सर, हिंदी में कराओ. अच्छा हिंदी में कराओ प्लीज. ओके इन अ रो द स्टूडेंट दीपक इज 17th फ्रॉम टॉप. किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति में जो दीपक है ना मेरे भाई वो 17वीं पोजीशन पे है इधर से, और सोनू जो है ना, सोनू 32वें स्थान पर है, 32वें बॉटम से. इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब ये अपना स्थान बदल लेते हैं तो दीपक 37वां हो जाता है. जब यहां से दीपक आ जाता है तो दीपक कौन सा होता है, 37वां. तेरी 37वां, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 20. ले जाके इसमें जोड़ना है 52. कितना, 37. अच्छा टोटल पूछा है, उसकी पोजीशन नहीं पूछा है, उसकी पोजीशन नहीं पूछा है. तो अब जब ये 32 और 37, तो 32 प्लस 37 माइनस 1, जहां से क्वेश्चन लिया गया वहां सॉल्यूशन भी लिखा हुआ था. और टाइपिस्ट की नजर देखो, टाइपिस्ट की नजर देखो कि बिल्कुल भी ये नहीं समझ में आया. तो आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपको क्वेश्चन हिंदी अंग्रेजी पढ़ूंगा, अंग्रेजी में, लेकिन आपको हिंदी में बताऊंगा. आज का शेड्यूल थोड़ा सा हैप्टिक था दोस्तों, तो आप लोग इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे. आज एक दो टीचर अचानक बीमार पड़ गए जिसकी वजह से शेड्यूल बहुत हैक्टिक हो गया. तो अब जहां पे मुझे 3 पेपर करना होता तो वहां 6-7 पेपर करना पड़ा सेम टाइम में. तो आज आपने एक एक्सपीरियंस लिया है, कल से आपको मजा आने लगेगा. तो जय हिंद दोस्तों. Thank you.